जितेंद्र कपूर जो लेजेंड रह चुके हैं बॉलीवुड के, और उनकी बेटी हैं एकता कपूर, ये दोनों के ही जॉइंट वेंचर में ये पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। आज जो मैं 2 BHK आपको दिखाऊंगा, ये रीसेल प्रॉपर्टी है, अनटच फ्लैट है, और व्यू तो आप देख ही सकते हैं विंडो के साइड से। ये JP इंफ्रा का गार्डन आपको दिख रहा है। 24 आवर्स इसमें BMC वाटर है, प्लस 16 माले की टोटल 7 से 8 विंग की पूरी सोसाइटी है। वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ है इसमें, आप जिस एमिनिटीज़ का नाम लें, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिमनासियम वगैरह सब कुछ मिलेगा। आइए देखते हैं प्रॉपर्टी कैसा है, फिर मैं बाद में डिटेल, साइज, प्राइस ये सब आपको बताऊंगा। आइए देखते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर यानी CP एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस YouTube चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। आइए दिखाता हूं किस टाइप की प्रॉपर्टी है, उसके बाद बात करते हैं। आज जो मैं दिखाने जा रहा हूँ 2 BHK का रीसेल का प्रॉपर्टी है ये, रेडी टू मूव OC 24 आवर्स के वाटर के साथ। आइए देखते हैं पहले कैसा है, बाद में मैं डिटेल साइजिंग प्राइजिंग की बात करूँगा। यहाँ से इसका 2 BHK स्टार्ट हो रहा है और ये इसका लिविंग डाइनिंग एरिया। बालकनी इसमें काफ़ी खूबसूरत दिया हुआ है, इन्होंने थोड़ा एक्सटेंड करके लिया है, ये देख सकते हैं आप। आपको हॉल और बेडरूम दोनों का बालकनी को मर्ज किया हुआ है। यहाँ से व्यू आपको खूबसूरत मिल जाता है, ओपन व्यू, JP इंफ्रा का गार्डन का व्यू आपको मिल जाता है। और नीचे ये जो पार्किंग का पोडियम आप देख रहे हैं, ये इसी बिल्डिंग का रैंप है। इसमें एक लेवल बेसमेंट पार्किंग भी है। अभी मैं आपको किचन दिखाता हूँ। यहाँ से अभी आपने एंट्री किया है, यहाँ पे कुछ अभी एयर कंडीशन के डब्बे रखे हुए हैं, काम चल रहा है। इसके बाद इस तरफ आपको मिल रहा है किचन। किचन में अपर कैबिनेट्स, मॉड्यूलर किचन बना बनाया मिलेगा आपको। इधर आप देख सकते हैं गैस पाइपलाइन डाला हुआ है, और इस तरफ मिल रहा है आपको वॉशिंग मशीन के लिए ड्राई एरिया। L-शेप में इसका ड्राई एरिया है। और अभी इसका दोनों बेडरूम देखते हैं, उसके बाद मैं साइजिंग प्राइजिंग की बात करूंगा। यहाँ पे आने के बाद ना, यहाँ पे एक बेडरूम आपको राइट में, एक बेडरूम आपको लेफ्ट में आता है। ये इसका कॉमन वॉशरूम है। अभी मैं लेके चलता हूँ इसका कॉमन बेडरूम। ये इसका कॉमन बेडरूम है, और ये भी यहाँ से बालकनी एक्सटेंड करके काफ़ी बड़ा कर दिया गया है इस बेडरूम को। और इसके बाद मैं मास्टर बेडरूम में आपको लेके चलता हूँ। इधर आपको मिल रहा है इसका मास्टर बेडरूम, और ये भी बालकनी आप देख रहे हैं, हॉल यानी लिविंग डाइनिंग से ये बालकनी मर्ज किया हुआ है। और एक बार विंडो के साइड से बेडरूम का व्यू, मास्टर बेडरूम का, ये मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। एक बार वॉशरूम मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से। पहले वॉश बेसिन दे रहे हैं, फिर बाथ एरिया, उसके बाद फिर कमोड एरिया दिया हुआ है। टाइल्स वगैरह की फिनिशिंग इसमें बहुत अच्छी दी हुई है, क्योंकि
बॉलीवुड लेजेंड रह चुके जितेंद्र कपूर, उनका ही प्रोजेक्ट है ये, एकता कपूर जितेंद्र कपूर का। उनकी जो माइंडसेट है बॉलीवुड की जो सेलिब्रिटियों की, वही स्टाइल में इन्होंने पूरा डेवलप किया हुआ है। आगे जब आप एंट्रेंस लॉबी वगैरह देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि कैसा है। एंट्रेंस लॉबी देखते हैं कि कितना खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है। टोटल इनके 7-8 लॉबी सारे इतने ही खूबसूरत बने हुए हैं। ये आप देख सकते हैं इतना ही हाइटेड वगैरह, प्लस जो फिनिशिंग आएगा बिल्कुल ऐसे ही आएगा। इस तरफ इसका स्टेयरकेस है। दो स्टेयरकेस, दो हाई स्पीड लिफ्ट। तब इसका बाइक पार्किंग का स्पेस दिया हुआ है। अभी मैं आपको लेकर आया हूं पोडियम पार्किंग पे। इसके नीचे इसका बेसमेंट पार्किंग है, बट स्पेस ऐसा ही कवर किया हुआ है। इधर आप देख सकते हैं इसका पोडियम पार्किंग है, ये स्टिल्ड कवर पार्किंग है। इस तरफ से भी एक बार दिखा देता हूँ। और ये आपको सेकंड फ्लोर के लिए जाने के लिए है, फर्स्ट फ्लोर के लिए जाने के लिए है। मैं स्विमिंग पूल पे लेके आया हूँ आपको। यहाँ पे काफ़ी देखते हैं कुछ फैमिली नहा रही है, प्लस फिनिशिंग इतना बढ़िया दिया हुआ है। और सामने आपको क्लब हाउस मिल रहा है, जिसमें आपको जिमनाशियम, बैंक्विट हॉल, और बैंक्विट हॉल के साथ आपको पेंट्री मिल रहा है। उसके ऊपर टेरेस बैंक्विट दिया हुआ है, जहाँ पर कुछ पार्टी वगैरह आप इन्जॉय करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। अभी मैं जेके आयरिस के क्लब हाउस के सामने खड़ा हूँ। इसमें आपको जिमनासियम, बैंक्विट हॉल, ओपन टेरेस, पेंट्री एरिया सब मिल जाएगा। ये इसका गार्डन है। और बिल्डिंग का एलिवेशन आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत उन्होंने गोल्डन येलो कलर में फिनिशिंग दिया हुआ है। काफ़ी खूबसूरत एक ग्रीनरी इन्होंने मेंटेन किया है। अभी मैं किड्स प्ले एरिया और गार्डन दिखा रहा हूँ। इस तरह बच्चों का देखें तो किड्स प्ले एरिया दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ वॉकिंग जॉगिंग ट्रैक, ये इसका किड्स प्ले एरिया है। काफ़ी खूबसूरत सीनियर सिटीजन एरिया भी दिया हुआ है। और बीच में इनका अभी और फाउंटेन का भी प्लानिंग है। अंदर का जिमनासियम मैं दिखा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। हम लोग जितेंद्र कपूर का जेके आयरिस बिल्डिंग के मेन रोड पे खड़े हैं। यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसका मेन एंट्री है। और बिल्डिंग के बाहर शॉपिंग एरिया है, यहीं पे छोटे मोटे सुपरमार्केट्स, दुकानें वगैरह सब आपको बाहर ही मिल जाता है। बाहर कुछ कमर्शियल्स भी हैं। और एलिवेशन इसका बहुत खूबसूरत है। ये जो रोड पर हम खड़े हैं ना, यहाँ से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, मीरा भाईंदर रोड, हार्डली 3 से 4 मिनट में, 2 से 3 मिनट में हम टच कर जाते हैं दोस्तों। अभी जो मैंने प्रोजेक्ट आपको दिखाया है जेके आयरिस बाय बॉलीवुड लेजेंड जितेंद्र कपूर, ये 16-16 माले का टावर है। 7 से 8 विंग की सोसाइटी है। इसमें स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिमनासियम, बैंक्विट हॉल, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, सारे एमिनिटीज़ का प्रोविज़न इन्होंने किया हुआ है। इसका आपने देखा एंट्रेंस लॉबी एलिवेशन कितना खूबसूरत इन्होंने कलर और डिज़ाइन दिया हुआ है। ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करूँ, फ्लैट की बात करूँ, ये 666 स्क्वायर फुट यानी 666 स्क्वायर फुट का इसका फ्लैट है। प्राइजिंग इसका 1,10,00,000 रुपए इनका डिमांड है, बट ये 1 करोड़ और 1,10,00,000 के बीच में डील होगी। डिपेंड आपके पेमेंट कंडीशन के ऊपर, लोन क्या है, रेडी पेमेंट है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना नेगोशिएशन होगा। इसमें ओपन पार्किंग आपको मिलेगा। अगर आप कवर्ड पार्किंग फ्लैट के साथ में नहीं है, अगर आप लेना चाहेंगे तो 4,00,000 के आसपास इसका पोडियम पार्किंग है, 7,00,000 का इसका स्टिल्ड कवर्ड पार्किंग है। तो पार्किंग अगर लेना चाहेंगे तो वो आपको इस फ्लैट के अलावा अलग से लेना पड़ेगा। और इसमें OC आ चुका है, BMC वाटर 24 आवर्स ये दे रहे हैं। मीरा रोड में रियल बिल्डिंगों में 24 घंटा पानी आपको मिलता है MBMC के द्वारा। व्यू यहाँ से गार्डन का आपने देख ही चुके हैं, JP इंफ्रा का गार्डन का व्यू है। यहाँ से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हार्डली 2 से 3 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है आपको। मेट्रो स्टेशन 4 से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आप पहुँच जाते हैं। ठाकुर मॉल, मैक्सेस मॉल, सिनेमैक्स, प्रसाद मॉल, ये सब आप पहुँच जाते हैं मुश्किल से 10 से 15 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे। ये तो मैंने प्रोजेक्ट की बात बताया आपको। जेके आयरिस में अभी 1 BHK का जो प्राइस चल रहा है वो 78, 76, 77, 80
इस तरह से चल रहा है, अगर पार्किंग के साथ फर्नीचर के साथ हो तो 85-86 ही प्राइस है इसका। 2 BHK का प्राइस यहाँ पे 1 करोड़ 1 करोड़ 5 लाख 10 लाख से शुरुआत है और 1.25 1.30 तक भी है, डिपेंड अगर वो फर्नीचर है या हायर फ्लोर पे है, बड़ा फ्लैट है, पार्किंग के साथ है, तो उस टाइप का प्राइस है। मैं एक अंदाज़ा दे रहा हूँ आपको कि यहाँ पे 95 1 CR से लेके 1 करोड़ 25 लाख तक यहाँ पे प्राइस है 2 BHK का, और 1.5 BHK भी है जो आपको 90-95 लाख में मिल जाता है। प्राइजिंग को लेके काफ़ी ये रहता है, मैंने एक मोटा मोटा आइडिया दिया है आपको। अब फ्लैट जैसा रहेगा उस टाइप का आपको मिलेगा, बाकी एमिनिटीज़ तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सारा कुछ यहाँ पे है। इस तरह के नए नए प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा मेरे चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे लाता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें कि जब भी मैं कोई नया प्रॉपर्टी इस तरह का डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके, आप उसका फ़ायदा ले सकें। मेरे पास ऐसे अर्जेंट सेल बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी भी हमारे पास आता है जो 30-40% डिस्काउंट पे आता है, तो उस टाइप की प्रॉपर्टी जो लोग परचेस कर लेते हैं, EMI नहीं भर पाते हैं और बैंक उनको खींच के 30-40% डिस्काउंट पर नीलाम कर देती है, इस टाइप की प्रॉपर्टी के भी मैं हमेशा मेरे चैनल पर डालता हूँ। सब्सक्राइब करने का बेनिफिट आपको ये होगा कि जब भी आप मैं इस तरह की प्रॉपर्टी डालूंगा सबसे पहले आपको सूचना मिलेगी, आप उसको खरीद के उसका फ़ायदा ले पाएंगे। होम लोन के लिए भी हम लोग पूरा सपोर्ट, मेरी होम लोन की टीम पूरी अलग से है अगर आप प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, साथ ही साथ अगर आपको होम लोन भी लेना हो तो उसमें प्रोसेसिंग चार्ज, फ्रैंकिंग चार्ज, ये सब भी हम लोग डिस्काउंट करा के प्लस बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको लोन करवा के देते हैं दोस्तों। ये सब तो हमारे सर्विसेज हो गए। ऐसे और भी कुछ नए प्रॉपर्टी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करें, कमेंट में आपका नाम और आपके सवाल लिखें, तो मैं जब लाइव आता हूँ 7 बजे या 7:30 बजे तो उसमें मैं आपको नाम के साथ जवाब दूँगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम।